हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया हूं एक शानदार सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और एक बात और, आप कौन से शहर से रहने वाले हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर सन 1945 की बात है एक परमाणु बम गिराया था, जिससे जापान के दो बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा खंडहर में तब्दील हो गए थे। जापान की आर्थिक स्थिति जो है वो एकदम से जमीन पर आ चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद चंद वर्षों में जापान इतनी विकसित देश कैसे बन गया, यह जानने के लिए अमेरिका के जितने भी बड़े व्यापारी थे, जितने भी बड़े बड़े मालिक थे बड़े बड़े फैक्ट्रियों के, वो आश्चर्यचकित रह गए आखिर क्या बात है। तभी एक जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि मैं अपनी एक फैक्ट्री जापान में स्थापित करूंगा, और उन्होंने स्थापित कर दी। लेकिन वहां जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने जापानी लोगों को ही रखा, और ठीक जिस प्रकार से वो अमेरिका में अपने कर्मचारियों को 5 दिन काम करवाते थे और 2 दिन की छुट्टियां देते थे एक हफ्ते में, वैसे ही रूल वहां भी उन्होंने रखा कि हफ्ते में 5 दिन कर्मचारी काम करें और 2 दिन छुट्टी पे जाएं। उन्हें लगा कि शायद मैं जापानी लोगों को 2 दिन की छुट्टी दूंगा, इससे वो हमारा इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। और हुआ ठीक इसके विपरीत। जैसे रिजल्ट उनको मिला वो विपरीत निकला। कुछ दिनों बाद वो जो कर्मचारी थे वो उनका विरोध करने लगे, और वो जब उनके पास गए और उनसे बात की उन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को कष्ट क्या है, मैं हफ्ते में 5 दिन काम करवाता हूँ 2 दिन आराम करवाता हूँ, तुम लोगों को परेशानी क्या है। तब जो जापानी कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि हमें यही तो कष्ट है, हमारे लिए 1 दिन की छुट्टी ही पर्याप्त है, आप हमें 2 दिन की छुट्टी मत दें, इससे हमारा सेहत बिगड़ती है, इससे हमारा फिजूल खर्ची बढ़ता है, हम इधर उधर जब घूमेंगे तो हमारी सेहत पर बुरी प्रभाव पड़ेगा, हमारी आदतें बिगड़ेंगी, आप हमें 1 दिन की छुट्टी दें। जब यह बात उन्होंने सुनी तो एकदम से उनके दिल में खुशी के जो आंसू हैं वो आंखों से निकल पड़े, और उन्होंने सभी जितने भी कर्मचारी थे उनको दिल से धन्यवाद दिया। और उन्होंने बोला कि इसी वजह से शायद जापान की ये स्थिति, जापान इतना विकसित देश माना जाता है। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस प्रकार से जापान के लोग अथक प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अपना समय जानते हैं कि समय कितना कीमती है, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। हम जब ज़्यादा आराम कर लेते हैं, ज़्यादा कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं, तो हम अपने आप को आलसी बना लेते हैं, और तभी हमारा लक्ष्य हमारी निगाहों से दूर होता चला जाता है, ओझल होता चला जाता है, और हम अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते। अधिक से अधिक मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को ध्यान दें, तभी आप जीवन में विकसित हो पाएंगे, जिस प्रकार जापान हुआ है आप भी अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। और जिस दिन आप अपने काम में ढिलाई कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका लक्ष्य आपसे दूर हो जाएगा। इस वजह से ज्यादा वक्त अपने लक्ष्य को दें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। बातें पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं और ये कहानी आपको कैसे लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।